चांदनी चौक में अब तक का इतिहास रचा जाने वाला है। सामने से कोई आ जाए वो अपनी जमानत नहीं बचा पाएगा। तो व्यापारी तो जान लड़ा देगा। कार्यकर्ताओं में बहुत खुशी है, बहुत उत्साह है। पूरी देश की जनता और पूरे क्षेत्र की जनता में जोश है, जो इतना बड़ा अभिनंदन हमारे प्रत्याशी प्रवीण खंडेलवाल जी का हो रहा है। अब की बार जो मोदी जी का संकल्प है 400 सबसे ज्यादा वोटों के साथ में प्रवीण खंडेलवाल जी की जीत होगी। चांदनी चौक सीट से भाजपा ने प्रवीण खंडेलवाल को टिकट दिया तो पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एक अभिनंदन समारोह का आयोजन किया, लेकिन उम्मीद से ज्यादा भाजपा नेता और कार्यकर्ताओं की उपस्थिति ने भाजपा के इस फैसले को और दम दे दिया। दिल्ली प्रदेश के कोषाध्यक्ष सतीश गर्ग, कैट के दिल्ली अध्यक्ष विपिन आहूजा, केशवपुरम जिला अध्यक्ष वीरेंद्र गोयल सहित तमाम निगम पार्षद, भाजपा कार्यकर्ता और व्यापारियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई और चांदनी चौक प्रत्याशी प्रवीण खंडेलवाल का जोरदार स्वागत किया। भाजपा नेतृत्व का जो भी निर्णय है वो सभी कार्यकर्ताओं को स्वीकार है, पर आप देख सकती हैं जिस प्रकार का उत्साह यहाँ पर कार्यकर्ताओं में है वो सब में जोश भर रहा है और सब तैयार है। अब की बार 400 क्या लगता है, इस बार जीत कितनी प्रचंड लगती है? रिकॉर्ड जीत होगी। चांदनी चौक में अब तक का इतिहास रचा जाने वाला है और ये निश्चित है, सुनिश्चित है। डिंपल जी, ऐसा रिकॉर्ड रचा जाएगा, देखते रहेंगे, दंग रह जाएंगे। रिकॉर्ड होगा कि देखने वाले दंग रह जाएंगे। बहुत ही बढ़िया निर्णय है, एक ऐसे परिवार को जिसने सदा सारा जीवन पार्टी के लिए समर्पित किया, आदरणीय सतीश चंद खंडेलवाल जी जो दिल्ली के मेयर रहे और विधायक रहे, पुराने जब भारतीय जनता पार्टी का जनसंघ का जन्म हुआ तब से जुड़े थे, वो उनके ताऊजी लगते थे। श्री विजय खंडेलवाल जी जिलाध्यक्ष, उनके पिताजी और खुद प्रवीण खंडेलवाल जी, आप समझे 2008 में पार्टी के दिल्ली प्रदेश के कोषाध्यक्ष रहे, चांदनी चौक विधानसभा से चुनाव लड़े और व्यापारियों के पूरे देश के आज सबसे बड़े नेता के रूप में प्रतिस्थापित है। दो बार दिल्ली के अंदर सीलिंग के विरोध में आंदोलन लड़ा। चांदनी चौक क्षेत्र है, जो चांदनी चौक क्षेत्र ही दिल्ली और देश की राजधानी कहना चाहिए, क्योंकि चांदनी चौक व्यापारियों का गढ़ है। जब चांदनी चौक है तो व्यापारी जगत सकता है, इसलिए पार्टी ने निर्णय किया, देश के सबसे बड़े व्यापारी नेता को टिकट दिया। निश्चित रूप से देश के व्यापारी और पूरा देश जो कि व्यापार वर्ग से जुड़ा है, आज के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, श्री जेपी नड्डा जी को और दिल्ली के अध्यक्ष श्री वीरेंद्र सहदेवा जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता है और वास्तव में उनके निर्णय पर फूल चढ़ाते हुए सारा का सारा व्यापारी और सारा क्षेत्र लगने वाला है और सामने चाहे कोई आ जाए वो अपनी जमानत नहीं बचा पाएगा। आज अगर व्यापारियों की यही एक आवाज़ थी कि हमारी आवाज़ लोकसभा में, यानी कि हमारी पार्लियामेंट के अंदर हमारा अपना व्यापारी नेता होना चाहिए, जिससे कि समय समय पे जो हमारी परेशानियां व्यापारियों की आती है उसको बड़े अच्छे ढंग से बड़ी बुलंदगी के साथ वहाँ पर रखे। और वो निश्चित तौर पे अभी वो एमपी भी नहीं, जो भी तब भी वो, मैं समझता हूँ 10 अगर प्रॉब्लम्स हैं तो उनके होते हुए 8 प्रॉब्लम तो सॉल्ट आउट होती हैं। ऐसी कौन सी समस्या है सिवाय जो हमारी एक कन्फर्टेशन के हमारे नेशनल जनरल सेक्रेटरी रहे कि इनके होते ना सॉल्व हो। तो जब वो निश्चित तौर पे आ गए तो व्यापारी तो जान लड़ा देगा और ये मैं बता दूं निश्चित तौर पे ऐसा रिकॉर्ड तोड़ जीत होगी जो पहले कभी नहीं होगी ऐतिहासिक। महिला मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष उनसे बात करते हैं। रेखा जी, चांदनी चौक से सीट डिसाइड हो गई है, प्रवीण खंडेलवाल जी को ये सीट गई है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बहुत ही सुंदर अवसर है, मोदी जी के ने जो दिल्ली की सीटें अनाउंस की है वो एक बहुत बड़ा संदेश है। जिस क्षेत्र को इतने विकास के साथ डॉक्टर हर्षवर्धन जी यहाँ तक लेके आए, भाई प्रवीण खंडेलवाल जी इस नाव को और आगे लेकर के जाने वाले हैं और मोदी सरकार में जो 400 सीटों का टारगेट है उसमें निश्चित रूप से चांदनी चौक को सबसे ज़्यादा वोटों के साथ में प्रवीण खंडेलवाल जी की जीत होगी। सब कार्यकर्ता उनके साथ है, आप देख पा रही हैं कितना जोश है कार्यकर्ताओं में और मोदी सरकार फिर इस बार, मोदी सरकार बार बार। तो जिला अध्यक्ष हमारे साथ जुड़ गए हैं, बात करते हैं। सर, भीड़ संभाली नहीं जा रही है, बहुत भीड़ है।
देखिए पूरा जनता लोगों के अंदर, कार्यकर्ताओं के अंदर इतना उत्साह है अपने उम्मीदवार को देखकर, और यहाँ पर कितना बड़ा हजूम यहाँ आया है, जबकि केवल हमने यहाँ कुछ कार्यकर्ता यहाँ बुलाए थे, परंतु ये पूरी देश की जनता और पूरे क्षेत्र की जनता में जोश है, जो इतना बड़ा अभिनंदन हमारे प्रत्याशी प्रवीण खंडेलवाल जी का हो रहा है। क्या कहना चाहेंगे? व्यापारी मंडल से? व्यापारी मंडल से है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा ही सोच समझ कर निर्णय लिया है। हम धन्यवाद करते हैं मोदी जी का, जिन्होंने ऐसे कर्मठ कार्यकर्ता को हमारे बीच में उतारा है। आज भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसा कार्यकर्ता को दिया, सभी कार्यकर्ता उत्साहित हैं, और आप जो हजूम आज प्रवीण खंडेलवाल जी के लिए उमड़ा है, आप देख सकते हैं चारों ओर सभी कार्यकर्ता उत्साहित हैं, और अब की बार जो मोदी जी का संकल्प है 400 पार। कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह, आप देख रहे हो कितने सारे कार्यकर्ताओं, और ये जो हमारे प्रवीण खंडेलवाल जी हैं बहुत बड़े नेतृत्व करते हैं पार्टी का, और बहुत सालों से पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। कार्यकर्ताओं में बहुत खुशी है, बहुत उत्साह है, और पार्टी ने जल्दी टिकट दी है, इससे जो हमारे हजारों से लाखों के मतों से हम विजयी बनाएंगे। संघर्षशील नेता है, टुक-टुक के साथी है, और व्यापारियों के लिए अच्छे फ्रेंड है, और समय पर इन्होंने जो कार्य किए हैं उसे देखकर पार्टी ने एक बार फिर से प्रत्याशी बनाया है। प्रवीण जी इससे पूर्व में चुनाव भी लड़ चुके हैं, पार्टी के एक सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में कार्य करते रहे, और उसके साथ उन्होंने व्यापारी संगठनों में रहकर बहुत अच्छे काम भी किए। और उसके साथ मैं बताना चाहता हूं कि दिल्ली के मास्टर प्लान के लिए और व्यापारियों की और प्रत्येक वर्ग की समस्याओं को वो समय समय पर उठाते रहे। हमारे यहाँ प्रत्याशी कोई भी हो, लेकिन लक्ष्य एक होता है, कमल का फूल, कमल का फूल, कमल का फूल। ऐसा जी जीत की 100% दावेदारी है, यानी जिसकी जड़ें मजबूत हो गई हो उस बिल्डिंग का गिरना आसान नहीं है, इसलिए कमल का फूल, कमल का फूल, कमल का फूल। बहुत ही सुंदर डिसीजन है, आदरणीय मोदी जी ने एक बहुत ही मजबूत कैंडिडेट को टिकट दिया है, और 100% आदरणीय प्रवीण खंडेलवाल जी को हम जिताकर भेजेंगे। जो मोदी जी के नेतृत्व में चुन के आए हैं, बहुत विश्वसनीय है, कार्यकर्ता रहे हैं और बहुत जुझारू हैं। चाहे व्यापारी मंडल हो, चाहे कोई मजदूर संघ हो, मजदूरों की या किसानों की या किसी अन्य किसी वर्ग की, भारतीय जनता पार्टी के साथ प्रत्येक समाज जुड़ा है, और मोदी जी के नेतृत्व में देश को आगे बढ़ते हुए देख रहा है, और मोदी जी के साथ पूरा देश खड़ा है, आज आपको ये देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि बहुत भीड़ है, और मतलब जितना सोचा नहीं था उससे ज़्यादा बीजेपी के कार्यकर्ता नेता यहाँ जुड़ गए हैं। आप देख रहे हैं कि देश के अंदर, पूरे विश्व के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने जब मोदी जी का परचम और मोदी देश को सोने की चिड़िया एक बार पुनः बनाने का प्रयास किया, और पूरा देश, पूरा विश्व भारत की तरफ देख रहा है। आज हमारी चांदनी चौक लोकसभा के खंडेलवाल जी को टिकट दे के सभी कार्यकर्ता में उत्साह है, और मोदी जी और हम सब जो कार्यकर्ता बोल रहे हैं अब की बार 400 पार। बहुत अच्छा कैंडिडेट है, और व्यापारियों की आवाज़ उठाने वाले हैं, दिल्ली में एक अच्छा नाम है, और पूरा राजनीतिक परिपृष्ठ है इनका परिवार। टॉप लीडरशिप ने बड़ा सोच समझ के एक जुझारू कैंडिडेट चांदनी चौक के लिए दिया है, जो हर वर्ग की आवाज़ को बुलंद करेगा, उनकी लड़ाई लड़ेगा। इसमें जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है, मोदी की गारंटी है, इसके लिए सबको यहाँ आए, और इस बार मोदी जी आएंगे और 400 से ज़्यादा 400 प्लस होगा। भाजपा के उन नेताओं, कार्यकर्ताओं और देश के व्यापारियों के जुनून ने कहीं न कहीं भाजपा के इस फैसले पर सही की मुहर तो लगा दी है। अब देखना ये है कि कितने बड़े अंतर से चांदनी चौक में ये जीत होती है। डिंपल भारद्वाज, क्विक न्यूज। प्रवीण खंडेलवाल जिस जैसे ही चांदनी चौक के प्रत्याशी बने भाजपा के, तो यहाँ पर बीजेपी के नेताओं में, कार्यकर्ताओं में, स्थानीय लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई। सभी लोग उनका अभिनंदन, आभार करने के लिए पहुँचे, और सभी लोग ये सोच रहे थे कि किसी न किसी तरह से एक मुलाकात प्रवीण खंडेलवाल से हो जाए। ऐसे में अब देखना ये होगा कि इन नेताओं की, इन कार्यकर्ताओं की, भाजपा के शीर्ष नेतृत्व की जो कमान प्रवीण खंडेलवाल के कंधों पर रखी गई है, वो उसको कितनी बखूबी निभाते हैं और किस तरह से इस सीट को जीत का लेकर जाते हैं। बने रहिए क्विक न्यूज के साथ। नमस्कार।